बच्चा पाती, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी मिस रुचिका। क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन से कंफ्यूज्ड हैं? क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से परेशान हैं? अरे ऐसा क्यों? जहां ट्रिग्नोमेट्री है वहां मैथ्स है, जहां मैथ्स है वहां फन है, और जहां फन है वहां एंजॉयमेंट है, तो क्यों परेशान हो? डोंट वरी, आपकी इस परेशानी का सॉल्यूशन मेरे पास है। आज मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाली हूँ, एक ऐसे हेक्सागन की बात करने वाली हूँ जो बहुत ही मैजिकल है। ओप्स, हियर दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। इस मैजिक हेक्सागन को सबसे पहले हेक्सागन क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि आपको मालूम है, ये एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 6 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस हेक्सागन में 6 वर्टिसेस भी हैं, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे 6 वर्टिसेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं, इस हेक्सागन को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉसेकेंट थीटा। अब ये सारे फंक्शंस को हम उठा के रिलेट कर देते हैं इन वर्टिसेस पे। कौन से वर्टिसेस? 1, 2, 3 साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा, 4, 5, 6 कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेकेंट थीटा। अब इस मैजिक हेक्सागन को एक बार ध्यान से देखो। इस मैजिक हेक्सागन में राइट साइड जितने भी फंक्शंस हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं और लेफ्ट साइड जितने भी फंक्शंस हैं वो बाकी रिमेनिंग फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंट थीटा, और राइट साइड सी वाले फंक्शंस कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेकेंट थीटा। तो इस तरह से इस हेक्सागन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इजी है। अब इसी सिंपल हेक्सागन को हम बोल रहे हैं मैजिक हेक्सागन। मैजिक हेक्सागन क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस के रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी रिमेम्बर करने के लिए। हम इजीली समझ पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपस में क्या रिलेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअल में किस फॉर्म में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी फंक्शंस के रिलेशन हम पढ़ेंगे या आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वहां पर मैंने कुछ कैटेगरीज डिसाइड की हैं। इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली हम ये सारी ट्रिक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट कैटेगरी की, जो की है कोशेंट की। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, कोशेंट मीन्स रेशियो। यहां पर हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज को अंडरस्टैंड करेंगे। आप यहाँ पर मैजिक हेक्सागन देख सकते हो। इस मैजिक हेक्सागन को हम एक स्पेशल तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। वो स्पेशल तरीका क्या है? वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम इस मैजिक हेक्सागन को कुछ इस तरह से रिलेट करेंगे कि जो रिलेशन बनने वाला है, किसका रिलेशन बनने वाला है? कोशेंट का। ये रिलेशन या तो क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और रिलेशन में हम बात करेंगे रेशियो की, मतलब कोशेंट की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस मैजिक हेक्सागन में रिलेशन, मतलब कि जो कोशेंट है वो क्लॉकवाइज से। तो कैसे करेंगे क्लॉकवाइज? कोई भी फंक्शन पिक कर लेते हैं, जैसे कि पिक करते हैं टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा से हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज, और क्योंकि रेशियो की बात हो रही है तो यहां पर हम मूव करेंगे टू स्टेप्स यहां पर होंगे वर्टिसेस के लिए। तो टेंजेंट थीटा होगा रेशियो किसका? नेक्स्ट टू फंक्शंस का। और नेक्स्ट टू फंक्शंस कौन से हैं? वो है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा का रेशियो बनेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली बाकी फंक्शंस की अगर हम बात करें आफ्टर टेंजेंट थीटा, तो हमें मिलता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो हो जाएगा नेक्स्ट टू फंक्शंस, जो कि होगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा।
ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो वो रेशो होगा कॉट थीटा अपॉन कोसेकेंट थीटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो कॉट थीटा रेशो होगा कोसेकेंट थीटा टू सीकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा रेशो हो जाएगा सीकेंट थीटा टू टेंजेंट थीटा। और अगर लास्ट में हम बात करें सीकेंट थीटा की तो सीकेंट थीटा रेशो हो जाएगा टेंजेंट थीटा टू साइन थीटा, मींस टेंजेंट थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से हमने मैजिक हेक्सागन को ऑब्जर्व किया है क्लॉकवाइज। अब हम फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन की कैटेगरी में इस मैजिक हेक्सागन को फिर से ऑब्जर्व करने वाले हैं, और इस बार ऑब्जर्व करेंगे ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और करना वही है, हमने एक फंक्शन लेना है और नेक्स्ट टू फंक्शन को रेशो की फॉर्म में लिख देना है। इस बार मैं स्टार्ट करती हूँ कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा का नेक्स्ट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा। साइन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हो जाएगा सीकेंट थीटा अपॉन कोसेकेंट थीटा। तो फिर सीकेंट थीटा क्या होगा? सीकेंट थीटा होगा कोसेकेंट थीटा अपॉन कॉट थीटा, और कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट में अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये थी हमारी कैटेगरी वन, और अब हम मूव करते हैं कैटेगरी टू में। कैटेगरी टू इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। जी हाँ, कैटेगरी वन में हमने बात की थी कोशेंट की, मींस रेशियो की, मींस डिवीजन की, और यहाँ हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, मींस मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन इस बार हम इस हेक्सागन की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। इस बार हम ऑब्जर्व करेंगे एक सिलेक्टेड फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। किस तरह से हमने ले लिया एक फंक्शन साइन थीटा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा, और इसका राइट हैंड साइड है कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगा प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? टेंजेंट थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम वे से हम सारे फंक्शंस की बात करेंगे। साइन थीटा के बाद मैं बात करती हूँ कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा कॉस थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होगा? सीकेंट थीटा होगा कोसेकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा लास्ट में अगर हम बात करें वो होगा सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। है ना इजी टू अंडरस्टैंड? और यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार ही हेक्सागन को डिफरेंट एंगल्स के साथ ऑब्जर्व करना है। है ना इंटरेस्टिंग? आगे हम बात करते हैं कैटेगरी टू के बाद कैटेगरी थ्री की। क्या है कैटेगरी थ्री? कैटेगरी थ्री इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल। फिर से हम इस मैजिक हेक्सागन को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इस बार जो ऑब्जर्व करेंगे वो हमारा ऑब्जर्वेशन ना तो क्लॉकवाइज है, ना एंटी क्लॉकवाइज है, और ना ही हमारा लेफ्ट एंड राइट है। तो कैसा ऑब्जर्वेशन? ये ऑब्जर्वेशन है इस हेक्सागन के डायगोनल्स को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है डायगोनल्स वो लाइंस होती हैं जो किसी क्लोज्ड फिगर के ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करवाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो साइन थीटा को ज्वाइन किया गया है कोसेकेंट थीटा के साथ, और कॉस थीटा को ज्वाइन किया गया है सीकेंट थीटा के साथ। सिमिलरली टेंजेंट थीटा को ज्वाइन किया गया है कॉट थीटा के साथ, और यही रेसिप्रोकल फंक्शंस है। मतलब बात सिंपल है, अगर साइन का रेसिप्रोकल चाहिए तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। डायगोनल से चेक किया जा सकता है, और ऑपोजिट भी पॉसिबल है। कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है साइन थीटा, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल हमें मालूम है वो होता है कॉस थीटा। तो यहां पर कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है रेसिप्रोकल वाले फंक्शंस की, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर फोर।
क्या है कैटेगरी नंबर फोर? वो है ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। और इस बार सेम हेक्सागन, मैजिक हेक्सागन को हम ऑब्जर्व करेंगे, ना तो क्लॉकवाइज, ना एंटी क्लॉकवाइज, ना लेफ्ट ना राइट, और किस तरह से डायगनल भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इस बार हम ऑब्जर्व करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस? आप देख सकते हो साइन थीटा टू कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा टू कॉट थीटा, सीकेंट थीटा टू कॉसेकेंट थीटा, ऑपोजिट भी ले सकते हैं हम, कॉस थीटा टू साइन थीटा, कॉट थीटा टू टेंजेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा टू सीकेंट थीटा। और ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस कनेक्टेड है अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के साथ। मतलब कि क्या? मतलब साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है साइन थीटा, टेंजेंट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है टेंजेंट थीटा, सेम सेकेंट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉसिकेंट थीटा, और कॉसिकेंट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है सेकेंट थीटा। आप वहां पर इजिली लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। कैटेगरी फोर के बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, जो कि है कैटेगरी फाइव, एंड दैट इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको बोला जाता है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? वो अब हम ऑब्जर्व करेंगे इस मैजिक हेक्सागन को एक डिफरेंट एंगल से, ऑब्जर्व करेंगे बाय सीइंग डिफरेंट ट्रायंगल्स ऑफ दिस मैजिक हेक्सागन। आप यहाँ देख सकते हो इस हेक्सागन के अंदर, क्योंकि डायगनल्स ऑलरेडी ड्रॉन हैं, तो उन डायगनल्स की वजह से इसके अंदर, किसके अंदर, मैजिक हेक्सागन के अंदर सिक्स ट्रायंगल्स फॉर्म हो चुकी है, ट्रायंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सारी ट्राइंगल्स में से हम कुछ सिलेक्टेड ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे। वो कौन सी ट्राइंगल्स हैं? वो अल्टरनेट ट्राइंगल्स हैं। मींस एक ट्राइंगल होगी तो नेक्स्ट नहीं होगी, उसकी नेक्स्ट अगर है तो अगले वाले की नहीं होगी। किस तरह से? हम एक टॉप ट्राइंगल लेंगे, एक लेफ्ट ट्राइंगल लेंगे और एक राइट ट्राइंगल लेंगे। इन तीनों ट्राइंगल में एक स्पेशल एरो मार्क्ड है, वो स्पेशल एरो है क्लॉकवाइज एरोस। ये क्लॉकवाइज एरो टॉप ट्राइंगल में भी मार्क्ड है, लेफ्ट ट्राइंगल में भी मार्क्ड है, और राइट ट्राइंगल में भी मार्क्ड है। सेंटर में जहां पे सारे डायगनल्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वहां पर शो हो रहा है 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि हमें टॉप ट्राइंगल से मिलने वाली है। करना क्या है? टॉप ट्राइंगल के तीन जो वर्टेसेस हैं, एक वर्टेक्स है साइन थीटा, नेक्स्ट है कॉस थीटा, और नीचे जो हमारा मिडल पॉइंट है इस ट्राइंगल का, जो थर्ड हमारा वर्टेक्स है, वहां पर 1 है। करना क्या है? फर्स्ट टू जो हमारे वर्टेसेस हैं उनको स्क्वायर करके प्लस करना है, और थर्ड जो वर्टेक्स है उसके साथ इक्वेट करना है, और थर्ड वर्टेक्स को भी स्क्वायर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसके फर्स्ट टू जो वर्टेसेस हैं वो है साइन एंड कॉस। तो आइडेंटिटी बनेगी, पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो बच जाता है उसको भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1। आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी की, लेफ्ट वाले ट्राइंगल से। करना वही सेम है, दो जो हमारे वर्टेसेस है उनको स्क्वायर करके ऐड करना है, और थर्ड वर्टेक्स के साथ इक्वेट करना है, उसे भी हम स्क्वायर करेंगे। तो कैसे बनेगी सेकेंड आइडेंटिटी? सेकेंड आइडेंटिटी बनेगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, जो कि होगा 1, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। है ना इजी टू अंडरस्टैंड? और इसी तरह से मूव करते हैं राइट वाले ट्राइंगल पे, कॉन्सेप्ट सेम लगाएंगे, और हमें मिल जाएगी थर्ड आइडेंटिटी।
क्या है वो आइडेंटिटी, वही करना है स्क्वायर करके प्लस करके थर्ड वाले वर्टेक्स के साथ इक्वेट करना है, लेकिन थर्ड वर्टेक्स को भी हमें क्या करना है स्क्वायर। तो यहां पर बन जाएगी आइडेंटिटी वन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी बनकर आएगी वन, वन स्क्वायर का हो जाएगा वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। और अब आपके सामने ये तीनों आइडेंटिटीज आ चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक हेक्सागन। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं आइडेंटिटीज को एक बार और इवैल्यूएट करेंगे, एक बार और ऑब्जर्व करेंगे यूजिंग मैजिक हेक्सागन। लेकिन इस बार हम क्लॉकवाइज मूव नहीं करेंगे, इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जिससे हमारी जो फर्स्ट थ्री आइडेंटिटीज थी उन्हें हम मेन आइडेंटिटीज बोलते हैं, अब हमें डिराइव्ड आइडेंटिटीज मिलेंगी। मतलब कि क्या, पहले हमें प्लस के फॉर्म में आइडेंटिटीज मिली थी, अब हमें सेम आइडेंटिटीज ट्रांसपोज करके माइनस की फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि कई बार हमें अपने क्वेश्चन में प्लस की फॉर्म में आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ता है और कई बार माइनस की फॉर्म में। तो ये प्लस एंड माइनस की कंफ्यूजन को भी हम खत्म करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व करना, लेकिन इस बार ऑब्जर्व करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेम हेक्सागन, सेम वही ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स, लेकिन अब एरो जो मार्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अभी फिर से स्टार्ट करते हैं टॉप ट्रायंगल से। कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का होगा, फर्स्ट टू में स्क्वायरिंग करनी होगी और थर्ड वाले के साथ इक्वेट करेंगे और थर्ड वाले को भी स्क्वायर करेंगे। डिफरेंस आएगा प्लस की जगह माइनस और क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉप ट्रायंगल बनेगी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट ट्रायंगल में नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेम वे से राइट वाले ट्रायंगल की बात करें, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये होगा कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी इजीली बन चुकी हैं प्लस की फॉर्म में भी और माइनस की फॉर्म में भी। प्लस की फॉर्म में क्लॉकवाइज ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया और माइनस के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्व किया। तो है ना इंटरेस्टिंग मैथ्स, हमने कैसे मैथ्स में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर था उसकी डिफिकल्टीज जो थी हमारे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कैसे हमने ये सिंपल मैजिक हेक्सागन से उसको सॉल्व कर लिया। तो अब ये मैजिक हेक्सागन हुआ